गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज नवरात्र का आखिरी दिन है और आज हमने अपना फास्ट ख़त्म कर लिया है, तो एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ आप सबको हैप्पी नवरात्रि। और ये देखिए, यही प्लांट है, पौधा है जो टूट टूट के गिरा हुआ है, और ये है मेरा बक्सा जिसमें मुझे लगाने हैं पौधे। तो कोई टमाटर के पौधे और इसमें अनार के छिलके, ऑरेंज के छिलके, ये सारे छिलके पड़े हुए हैं, और मैं अच्छे तरीके से इसको कोड़ के थोड़ा सा खुरपी से और सारी मिट्टियाँ मैं बराबर कर लूँगी। और हमने सारी मिट्टियाँ बराबर कर ली, कल ही पानी डाल दिया था खूब अच्छे से, और मिट्टी बिल्कुल नरम नरम है और अच्छे से इसमें हो जाएगी, पौधे लग जाएंगे। तो बस मैं एक एक करके निकाल रही हूँ पौधे लगाने के लिए। और देखिए, काफ़ी आसानी से ये पौधे निकल गए हैं। देखिए, एक पौधा निकल गया है, अब मैं इसे लगा दूँगी यहाँ पे बक्से में। आप लोगों ने कभी किसी ने बक्से में सब्ज़ी नहीं लगाई होगी और मैं बक्से में सब्ज़ी लगा रही हूँ। मुझे तो चलिए, मेरे वीडियो को ढेर सारे लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे लगता है कि मैं आप लोग इसे कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ क्या, कि जिसकी वजह से मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा रन नहीं कर रहे हैं, मतलब बहुत कम व्यूज़ आते हैं। लेकिन हमने भी ठान लिया है रोज़ डेली वीडियो अपलोड करूँगी, चाहे दो तीन ही व्यूज़ आए, तो मेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। और यहाँ पे निकल गई है, ये देखिए, ये इसमें दो से तीन पौधे हैं, तो एक साथ ही मैं लगा दूँगी यहाँ पे। बिकॉज मुझे बहुत ही घबराहट हो रही थी, पता नहीं क्यों, गर्मी की वजह से। आज पूरा दिन मौसम बहुत ही अच्छा रहा, बिल्कुल धूप नहीं थी, और लेकिन इस समय गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही अजीब सा हो रहा है एकदम। और यहाँ पे चींटियाँ भी लग रही थी थोड़ी, पता नहीं कहाँ से चींटियाँ आती हैं, तो ये काट रही थी, काली वाली चींटियाँ थी। तो मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी पौधे लगा दूँगी, जो उगना होगा उगेगा, नहीं उगना होगा। वैसे अभी बहुत सारे पौधे दे रहे हैं टमाटर के, मुझे लगता है कि ये उगेंगे और अच्छे टमाटर देंगे, और मैं रोज़ इसके अपडेट देती रहूँगी आपको। और तो हमने ये दिखाया आपको क्योंकि हमने वादा किया था कि मैं दिखाऊंगी। यहाँ पे एक प्लांट है, तो इसे मैं अच्छी तरीके से इसमें वो करके लगा दूँगी। और इसमें मीठी नीम की पत्ती वाले पौधे हैं, वो अपने आप वो ग्रो होने लगे, और ये लगा दिया हमने, इसे किनारे रख दूँगी। और यहाँ देखिए, ये भांग वाले पौधे जो हमने कल निकाले थे, ये बाहर ही पड़े हुए हैं, किसी दिन झाड़ू लगवाऊँगी छत पे, मुझसे तो नहीं हो पाता है। इसके बाद मैं इधर आ गई हूँ, यहाँ पे चाय की पत्ती थी मेरे हाथ में, डिब्बों में मैंने रखा हुआ था, क्योंकि जो रोज़ दो दिन की चाय की पत्तियाँ निकलती हैं और खूब अच्छी तरीके से उसको वॉश करके एक डिब्बे में मैं रख देती हूँ, और उसके बाद से जैसे उसका मीठापन और चीनी निकल जाए उसमें से दूध वगैरह, तो उसे मैं स्टोर करके रख लेती हूँ। और इकट्ठा मैं रोज़ शाम को ही ये प्लांट की देख रेख करती हूँ और डाल देती हूँ उसको गुलाब के प्लांट में, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आसानी से ग्रो होते हैं और खूब अच्छे फूल भी देते हैं, एक तरह से खाद बन जाते हैं। तो किचन के जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं सब कुछ आप प्लांट में डालिए, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे कपड़े डले हुए हैं, ये है मिस्त्री के कपड़े हैं, तो ये साइड में इधर स्कूल वाले हैं और बाकी ये घर वाले हैं। तो उसने ही वॉश किया था दिन में और डाल दिया था, क्योंकि आज हवा नहीं है और मौसम काफ़ी अच्छा था, लेकिन शाम के समय में गर्मी लग रही है और बहुत ही गर्मी लग रही है। तो मेरे वीडियो पे जो पहली बार है वो मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देंगे, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए, यहाँ पे हमने लगा दिया है, डाल दिया है, सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने डाल दी है चाय की पत्ती,
और ये वाले पौधे जो हमने लगाए थे फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था बाल्टी आ चुकी है और कपड़े शायद बाथरूम में है, लेकिन नहीं आई ना कोई कपड़े नहीं बाथरूम। अच्छा, आज हमने कपड़े नहीं धुले, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है यहाँ पे। और आज मुझे बनाना है छोला और भटूरा, तो देखती हूँ बन पाता ही नहीं क्योंकि इन लोगों को जाना है बाहर। प्लीज़ उसको साइलेंट कर दो। अरे मिस्टिक और सिस्टी को जाना है बाहर अपने पापा के साथ थोड़ा सा आउटिंग पे, काम ख़त्म करने के बाद। नहीं, पोहा, हाँ पोहा बनाई थी वो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में, तो पोहा बहुत ज़्यादा नहीं खाया, 2-4 चम्मच खाए। उसके बाद से मूवी आ रही थी वो धोनी, MS धोनी, तो वही देखते देखते फिर मेरी आँख कब लग गई मुझे नहीं पता। और उसके बाद से खाना बना, तो हम खाना बहुत लेट में मैं खाई, हम बच्चे नहीं खाए और सिस्टी भी मिस्टी भी नहीं खाई थी, तो मिस्टी शायद लेट में खाई है। और काफ़ी गर्मी है, अभी पेपर में निकला था कि दो दिन के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, तो गर्मी तो लग रही है। इन्वर्टर लगवा लिया हमने, बैटरी ख़राब हो गई थी तो उसकी इन्वर्टर लगवाना था। आज मिस्टी का सृष्टि का साइकिल खरीदाने के लिए था कि साइकिल खरीदने जाएंगे, तो साइकिल नहीं गए लोग लेने के लिए। आज वाला दूध कौन सा है? वो जो नए वाले भगोने में उसके पास रखा है जिसमें मलाई जमी है, हाँ भर के वही जो चिपका हुआ है अभी मैंने डाला उसमें। ऐसे मुँह क्या बनाती हो, क्या करना है? कॉफ़ी बना। मिस सृष्टि चली गई नीचे और मिस्टी मेरे सर के ऊपर चेयर लगा के बैठी हुई है, तो और बिल्कुल अब धूप मतलब घर से याद करेंगी जरूर, चाहे कितने भी कम व्यूज आए पर मैं वीडियो काटनी बस रखूँगी। मैं पानी डाल लेती हूँ पौधों में। तो यहाँ छोले भटूरे हमारे तैयार हो चुके हैं, इस समय बज रहे हैं 9:30 और काफ़ी लेट हो गया आज ये छोले भटूरे बनाने में, क्योंकि एक्वेरियम हम लोगों ने उधर शिफ्ट किया आगे वाले कमरे में और जिसमें काफ़ी टाइम लग गया, लाइट आ रही थी जा रही थी। और मेरा भटूरा पता नहीं क्यों फूल नहीं रहा है, लास्ट वाला है, बाकी सारे फूले, ये वाला फूला ही नहीं। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए छोले भटूरे खाने के लिए। जैसा कि मैंने बताया था कि छोले भटूरे बनाऊँगी, तो हमने बना लिया है और हस्बैंड को दूध रोटी खाना है क्योंकि उन्होंने डॉक्टर ने उनको कहा कि दूध रोटी खाइए। तो यहाँ है मेरे छोले और पापड़ प्याज भटूरे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।